नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं सिटी जंक्शन न्यूज़। मैं कृतिका राजपूत आप सभी का स्वागत करती हूँ। आइए एक नज़र डालें आज की ताज़ा खबरों पर। खास खबरों के प्रायोजक हैं गोपाल सुपर बाजार, शुद्धता गुणवत्ता और अपनेपन का एहसास, मयूर कॉलोनी मलकापुर रोड अकोला। सह प्रायोजक है पेशवा फैमिली रेस्टोरेंट गीता नगर, जहां हर निवाली पर मुंह से निकले वाह वही है पेशवा। जी हां, पेशवा फैमिली रेस्टोरेंट गीता नगर अकोला। सह प्रायोजक है हुसैन माउ, अनाज किराना ड्राई फ्रूट कटलरी क्रॉकरी कॉस्मेटिक के साथ सब कुछ एक ही छत के नीचे। हुसैन माउ आपका विश्वासी, हमारी पहचान, वाशिंग बाईपास बालापुर रोड अकोला। थोरात सर्स बायोलॉजी क्लास टीम नीट, बी अ डॉक्टर बाय अ डॉक्टर, स्मार्ट विद ड्रीम फिनिश विद फ्यूचर। थोरात सर बायोलॉजी क्लासेस डामरी मार्केट अकोला। एएमबी परिवार रिफाइंड सोयाबीन तेल, रखे ख्याल आपके स्वास्थ्य का, तो आज ही शामिल कीजिए अपने परिवार में एएमबी परिवार रिफाइंड सोयाबीन तेल। शगुन कैटर्स, शादी ब्याह हो, बर्थडे पार्टी, किट्टी पार्टी या हो गेट टुगेदर, सबके लिए बेहतर शगुन कैटर्स, अन्नपूर्णा माता मंदिर रोड शेगा बाईपास अकोला। फिट इंडिया हेल्थ एंड न्यूट्रिशन क्लब, पाइए मोटापे से छुटकारा, ज्वाइन कीजिए फिट इंडिया हेल्थ एंड न्यूट्रिशन क्लब और सभी तरह के दर्दों से पाइए छुटकारा। आज लीजिए 100% आयुर्वेदिक फूड सप्लीमेंट, 6 से 7 दिनों में असर दिखना। विधान परिषद चुनाव में बीजेपी की दमदार जीत, प्रेमी युगल की पिटाई का वीडियो वायरल, लाखों के गुटखे के साथ एक गिरफ्तार, कब रुकेगी पानी की बर्बादी और टीकाकरण को मिला उत्स्फूर्त प्रतिसाद। अब समाचार विस्तार से। अकोला, बुलढाणा, वाशिम, यहाँ पर स्थानिक स्वराज संस्था के चुनाव में महाविकास आघाड़ी के खिलाफ भाजपा, इन दोनों के बीच कांटे की टक्कर थी, क्योंकि महाविकास आघाड़ी की ओर से शिवसेना की गोपी किशन बाजोरिया ये लगभग 3 बार लगातार विधायक रह चुके हैं। 18 सालों से भाजपा का कोई भी उम्मीदवार इसमें नहीं जीत पाया, क्योंकि इसके पहले शिवसेना और भाजपा की युति थी, जिसकी वजह से भाजपा को ये चुनाव लड़ते नहीं आया। लेकिन 18 वर्षों बाद इस कांटे की टक्कर में बीजेपी उम्मीदवार विजयी हुआ। विधान परिषद चुनाव में अकोला, वाशिम और बुलढाणा जिले के लगभग 22 मतदान केंद्रों पर मतदान लिया गया। तीनों जिलों के स्थानीय स्वराज संस्था के सदस्य 822 थे, जिसमें से 808 मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया और बीजेपी के वसंत खंडेलवाल, इन्होंने जीत दर्ज करते हुए विधान परिषद में प्रवेश लिया। नागपुर में भी बीजेपी की ही जीत हुई है। बीजेपी की ओर से खंडेलवाल भवन में जीत का जश्न मनाया गया, आतिशबाजी की गई, विभिन्न संस्था संगठनाओं के पदाधिकारियों ने वसंत खंडेलवाल इन्हें ढेरों बधाइयां दी। श्री शक्तिधाम सेवा समिति के अधिकारियों और पदाधिकारियों ने भी उन्हें बधाइयां दी। इस समय बीजेपी कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह था, साथ ही महिला कार्यकर्ताओं ने भी जमकर जश्न मनाया। भारतीय जनता पक्षाची एकजूट महाविकास आघाडीतील सर्व नेत्यांची मनापासून साथ, सर्व मतदार अध्यक्ष असो माझी चर्चित असो, त्यांची असलेली विद्यमान आमदारांची नाराजी आणि या 2 वाजता हे कामं होऊ शकले लोकांची, त्या सरांचा परिपाक म्हणजे संजय खडवे यांची निवड आहे। खासदार संजय धोत्रे हे जरी आजारामुळे घरी असले तरी त्यांनी कडक ताकीद दिली होती की दिवस रात्र एक करा, पण आपल्या भारतीय पक्षाचा मुलगा झाला पाहिजे। तिन्ही जिल्ह्यातील सर्व नेतृत्व त्यांनी मनापासून प्रयत्न केले। मी आभारी आहे आपलं शिरसेतृत्व, नितीन गडकरी, देवेंद्रजी फडणीस आणि कर्णाल पाटील यांचं, की त्यांनी आमचा विश्वास टाकून वसंतजी खंडेलवाल यांना उमेदवारी दिली आणि आम्ही त्यांचा विश्वास सार्थक करू शकतो। परवर्षी एकदा सर्व मतदारांचे मनापासून आभार मानतो, आम्ही विजय झालो आहे, आमच्यामध्ये नम्रता असली पाहिजे ही कार्यकर्त्यांना सांगू इच्छितो, आणि येणाऱ्या दिवसात जनतेच्या आशा आकांक्षा वसंतजी खंडेलवाल पूर्ण करतील या अपेक्षेसह आपल्या सर्वांना धन्यवाद।
अकोला जिले के उरल पुलिस स्टेशन की हद में आने वाले गांव पेट्रोल डिपो के पास प्रेमी युगल को पीटने का वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुआ है। बताया जा रहा है कि ये प्रेमी युगल जन्मदिन मनाने के लिए जा रहा था, लेकिन लड़की ने बुरखा पहना हुआ था अपनी पहचान छुपाने के लिए। इसी बात को लेकर युवक के साथ मारपीट की गई। किसी व्यक्ति ने ये वीडियो शूट किया है और ये वीडियो वायरल हो गया है। इसका संज्ञान लेते हुए उरल पुलिस स्टेशन ने दो व्यक्तियों के खिलाफ अपराध दर्ज किया है। वीडियो में आप देख सकते हैं कि किस तरह उस युवक की पिटाई की जा रही है और लड़की लगातार उसे न मारने की गुहार लगा रही है। लड़की को बुरखा निकालने के लिए कहा गया, जिसके बाद लड़की ने बुरखा उतार दिया, जिसके बाद कहीं जाकर पिटाई करने वालों का गुस्सा कुछ हद तक शांत हुआ। आइए आपको दिखाते हैं वो वीडियो जो वायरल हुआ है। माननीय जिला पुलिस अधीक्षक जी श्रीधर इनके द्वारा गठित विशेष दल को विश्वसनीय जानकारी मिली थी। उसी जानकारी के आधार पर दल ने जाल बिछाकर पुराना शहर के गंगानगर बिलाल मस्जिद के पास नाकाबंदी की और महिंद्रा बुलेरो गाड़ी क्रमांक MH 28 BB 2782 इसकी तलाशी पंचों के सामने ली। तलाशी लेने पर गाड़ी में कपड़ों के गट्ठों के बीच प्रतिबंधित गुटखे के 15 कट्टे दिखाई दिए, जिसमें गुटखा राजनिवास और राजनिवास पान मसाला दल को मिला, जिसका मूल्य लगभग 4 लाख रुपए है। साथ ही महिंद्रा पिकअप जिसकी कीमत लगभग 8 लाख रुपए, गुटखा और गाड़ी मिलाकर लगभग 12 लाख रुपए का माल जब्त किया गया। साथ ही वाहन चालक शेख अजीज शेख रफीक निवासी सैलानी जिला बुलढाणा इसे भी गिरफ्तार कर उसके खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत अपराध दर्ज किया है। ये कार्रवाई माननीय जिला पुलिस अधीक्षक जी श्रीधर इनके मार्गदर्शन में पुलिस निरीक्षक विलास पाटिल, पुलिस हवालदार तुरकर अविनाश पाचपोर, इन्होंने इस कार्रवाई को अंजाम दिया। इस कार्रवाई की वजह से गुटखा माफियाओं में खड़कंप मच गया है। महानगर पालिका क्षेत्र में अमृत योजना के अंतर्गत नई जलापूर्ति पाइपलाइन बिछाने का काम हुआ, लेकिन कई परिसरों में 1 से 1.5 फीट गहरे गड्ढों में पाइप डाले जाने से, साथ ही अच्छे से ज्वाइन न किए जाने की वजह से जगह जगह लीकेज की समस्या सामने आ रही है। जलापूर्ति के दिन शहर की अधिकतर सड़कों पर पानी बहता नजर आ रहा है। यही हाल रविवार को रेलवे स्टेशन जलकुंभ के पास वन्य जीव विभाग के सामने वाली सड़क पर देखने को मिला, जहां पर सैकड़ों लीटर पानी सड़क पर व्यर्थ बह रहा था। कुछ नागरिकों ने तत्परता दिखाते हुए मनपा अधिकारियों के पास शिकायत की। मनपा के जल प्रदाय विभाग के अधिकारी मौके पर भी पहुंचे, निरीक्षण किया। जलकुंभ परिसर में हाल ही में मुख्य पाइपलाइन जुड़ने का काम किया गया था, वॉशआउट के लिए पानी भी छोड़ा गया था। इसके अलावा एक स्थान पर लीकेज भी था, जिसकी मरम्मत का काम आरंभ किया गया, इस तरह की जानकारी मिल रही है। लेकिन दर्शकों, मैं आपको बता दूं कि ये लीकेज की समस्या अभी की नहीं है,
क्योंकि ये जो फुटेज हम आपको दिखा रहे हैं ये 28 अक्टूबर 2021 को सिटी जंक्शन ने शूट किए थे, और जब हमने जानकारी निकाली तो उसके भी पहले लगभग 2 महीनों से ये समस्या बनी थी, यानी कि अक्टूबर की भी पहले अगर हम देखे जाए तो अगस्त सितंबर से ये समस्या बनी है, और समय समय पर जब जलापूर्ति होती इसी तरह का नजारा होता रहता है, जिसके लिए कई बार शिकायत की गई, पार्षदों के पास भी शिकायत की गई, लेकिन नतीजा रविवार को आपने देखा ही है कि इसी तरह का नजारा नजर आ रहा था। जब सिटी जंक्शन ने इसी सड़क किनारे व्यवसाय करने वाले व्यवसायी से बात की तो उन्होंने क्या कहा, आइए आपको दिखाते हैं सुनाते हैं। ये 2 महीने पासून सुरू आहे कंप्लेंट, नगर सेवक येथे सर्व बघून गेले, काही घेऊ नाही शकत असं म्हणतो, आणि त्यानंतर 2-4 जण त्यात पडले पण, आणि रोजचे स्लीप आहे ते ऊन गाड्या रोजचे ऍक्सिडेंट होते। अकोला गोर ब्राह्मण महिला मंडल द्वारा रविवार को मनपा स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से मिशन कवच कुंडल कोविड-19 लसीकरण का आयोजन किया गया था, जिसका लाभ परिसर के सैकड़ों लोगों ने लिया। ये लसीकरण डाबकी रोड के ज्ञानेश्वर नगर परिसर में छाया हॉस्पिटल के पास लिया गया, जिसमें जिला लसीकरण अधिकारी डॉक्टर मनीष शर्मा, स्वास्थ्य सेवक संतोष भामोदे, प्रदीप चौहान, परिचारिका दीक्षा अम्बोरी, ममता राठौड़, सुमित्रा मेश्राम, सुवर्णा ताड़ी, रागिनी जरांडे, जेपी शिरसाट समेत आशा स्वयंसेविका महिला मंडल ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और सहयोग दिया। इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए अकुला गोड़ ब्राह्मण महिला की अध्यक्षा सौ राजेश्री शर्मा, सौ रेवती जोशी, सौ इंदु तिवारी, सौ दुर्गा शर्मा, सौ कीर्ति शर्मा, सौ सरला शर्मा, इन्होंने अथक परिश्रम लिए। इस शिविर में शिवा दल के अध्यक्ष अक्षय झटाले भी मौजूद थे, जिन्होंने महिला मंडल द्वारा आयोजित इस वैक्सीनेशन कैंप की बढ़ चढ़कर तारीफ की। टीकाकरण करने वाले सभी ने महिला मंडल का आभार व्यक्त किया। शासन में राज्य परिवहन निगम के कर्मचारियों और राज्य परिवहन निगम का विलीनीकरण हो, इसके लिए कर्मचारियों की ओर से गत 2 नवंबर से आंदोलन जारी है। 5 से 6 सप्ताह बीत जाने के बाद भी यह आंदोलन खत्म नहीं हुआ है। इसी बीच आंदोलन में बैठे राज्य परिवहन निगम के कर्मचारियों को 3 दिन का अल्टीमेटम दिया था और कहा गया था कि काम पर लौट जाएं, किंतु अल्टीमेटम की मियाद खत्म हो चुकी है, लेकिन कर्मचारी अपनी मांगों पर अड़े हैं। इसी के साथ कर्मचारियों ने मांग पूरी किए बिना काम पर लौटने से मना कर दिया है। विलीनीकरण की मांग को लेकर चक्का जाम किए बैठे राज्य परिवहन निगम के कर्मचारियों ने अपनी मांगों का पुनरुच्चार करते हुए सोमवार को भी आंदोलन जारी रखा। आंदोलन में एसटी के पुरुष और महिला कर्मचारी शामिल है। बस डेपो क्रमांक 1 हो या 2, सभी में कर्मचारी ठिया डालकर बैठे हैं। पिछले 42 दिनों से अपनी मांगों के समर्थन में काम बंद आंदोलन छेड़ा गया है। वहीं दूसरी ओर आंदोलन के चलते राज्य परिवहन निगम को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। सभी और यही प्रचार किया जा रहा है कि एसटी कर्मचारियों की वजह से ही सभी को दिक्कतें आ रही है और राज्य परिवहन निगम को भी नुकसान झेलना पड़ रहा है, लेकिन कर्मचारियों की मुश्किलों की तरफ, उनकी व्यथाओं की तरफ कोई भी ध्यान देने के लिए या उसे समझने के लिए तैयार नहीं है। सिटी जंक्शन ने इनके दर्द और इनकी व्यथाओं को समझते हुए उसे आप तक पहुंचाने के लिए 2 एपिसोड ये दर्द का सफर जो कभी रुकता ही नहीं इस नाम से प्रसारित किए थे। अगर आप भी इनके दर्द से, इनकी व्यथाओं से रूबरू होना चाहते हैं तो आपसे निवेदन है कि नीचे दी गई लिंक से आप उनका दर्द समझे और इनका समर्थन करें। इस आंदोलन को लेकर जब हम डिपो क्रमांक 1 में गए तब वहां पर स्थित राठौड़ जी ने हमसे ये कहा। मी अकोला आगार क्रमांक 1 येथे एसटीचा चालक संतोष राठौड, माननीय परिवहन मंत्र्यांनी जी आम्हाला अंतिम संधी 13/12/2021 ही डेडलाईन दिलेली होती, मात्र अशा अनेक डेडलाईन आमच्यापर्यंत आल्या, अनेक प्रकारचे दबाव तंत्र आले, सेवा समाप्तीपर्यंत आले, बडतर्फ केलं आणि निलंबन दिलेलं आहे, तरी सुद्धा अनेक आंदोलनं केली, त्यामागील भूमिका एवढीच होती की शासन कुठंतरी लक्ष केंद्रित करेल आणि शासनाला किमान एसटीच्या कर्मचाऱ्याच्या ज्या व्यथा आहेत, ज्या वेदना आहेत, या निश्चित त्यांच्यापर्यंत पोहोचतील, हा त्यामागील खरा उद्देश होता। मात्र भारताच्या स्वातंत्र्यानंतर 70 वर्षांमध्ये या परिवहन खात्याला असे परिवहन मंत्री आजपर्यंत मिळाले नाही, असं आमचं दुर्दैव आम्ही समजावं की अशा परिवहन मंत्र्याला आज आम्हाला समोर जावं लागत आहे। 50
कुटुंब आमचे आज बेघर झालेले आहेत, 300 ते 400 लोक आमचे कोरोनामुळे मृत्यू पावलेले आहेत, तरी सुद्धा या शासनाला जाग येत नाही। हे कुंभकर्णाची औलाद कुठेतरी जागली पाहिजे, कुठेतरी ज्यांची झोप उडाली पाहिजे, हा त्यामागील उद्देश आहे। आणि महाराष्ट्रातील तमाम प्रवासी जनता आज वेटीस धरण्यात येत आहे, फक्त आणि फक्त एसटीच्या कर्मचाऱ्यांना ज्या काही त्यांच्या अटी आहेत, ज्या काही मागण्या आहेत, या मागण्या जसं काही यांच्याजवळचा कुबेरचा खजिनाच मागत आहे। शरम वाटते आम्हाला की आमच्या ज्या मागण्या आहेत, या मागण्या जनमानसासाठी, जनहितासाठी, जनकल्याणासाठी आहेत। एसटी ही शासनात विलीनीकरण झाली तरच महाराष्ट्रामध्ये शांतता आणि सुव्यवस्था नांदेल। आमचा आज जो प्रश्न आहे, एसटी ही शासनासाठी विलीनीकरण होणे ही अतिमत्वाचा भाग आहे, कारण महाराष्ट्राचा बिहार झाल्याशिवाय राहणार नाही। जर एसटी राहिली नाही तर प्रवाशांची लूट जी आज 2-1.5 महिन्यामध्ये झाली, याच्यापेक्षा कितीतरी पटीने जास्त लूट होईल। ही लूट कुठंतरी थांबली पाहिजे। आणि दुसरा जो मुद्दा आहे की परिवहन मंत्री वारंवार 41% पगार वाढ केली असं भासवतात, मला असं कळत नाही की यांना कोणत्या शाळेतलं गणित आहे, 41% यांचं सूत्र कोणतं आहे। आम्हाला परिवहन मंत्र्याला उद्देशून बोलता येणार नाही, मात्र आम्ही न्याय आणि हक्कासाठी लढत आहे। तुम्ही आम्हाला फाशी दिली तरी चालेल, पण सत्य ते सत्य राहणार आहे। त्यामुळे तुम्ही खोटं कितीही दाखवलं तरी महाराष्ट्रातील जनता आंधळी नाही आहे, बहिरी नाही आहे, मुकी नाही आहे। जरी आज बंद आहे तोंड, पण एक ना एक दिवस महाराष्ट्रातील जनता तुम्हाला जागा दाखवल्याशिवाय राहणार नाही, एवढं मात्र निश्चित या प्रसंगी सांगेल। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। एसटी महाराष्ट्र शासनात विलीन झालीच पाहिजे, एसटी महाराष्ट्र शासनात विलीन झालीच पाहिजे। ओम सब एक ऐ, ओम सब एक ऐ, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, ओम सब एक ऐ। एसटी महाराष्ट्र शासनात विलीन झालीच पाहिजे, एसटी महाराष्ट्र शासनात विलीन झालीच पाहिजे। फिर हमने अपना रुख डिपो क्रमांक 2 की ओर किया, जहाँ पर खंडारी जी ने हमें ये जानकारी दी। आज परिवहन मंत्री साहेबांनी आम्हाला अल्टिमेटम दिला होता की आज संध्याकाळपर्यंत तुम्ही कामावर रुजू व्हा, अन्यथा तुमच्यावर कठोर कारवाई करण्यात येईल। परंतु संपूर्ण महाराष्ट्रभर या परिवहन मंत्री साहेबांच्या हाकेला कोणी ओ दिला नाही, आणि आपले कर्मचारी, सर्व कर्मचारी आपल्या विलीनीकरणाच्या मागणीवर ठाम आहेत। कुठं कुठं मीडियाच्या माध्यमातून बातम्या पसरवण्यात येतात की कुठं एवढ्या गाड्या निघाल्या, तेवढ्या गाड्या चालू झाल्या, परंतु आम्ही जेव्हा प्रत्यक्षात फोन करून त्या आगाराशी संपर्क करतो, तिथल्या कर्मचारी संपर्क करतो, तेव्हा तिथं आम्हाला बातमी मिळते की बाबा आपल्या आमच्या डेपोतून बस निघाली नाही। म्हणजे मीडियाच्या मार्फत कर्मचाऱ्यांची दिशाभूल करणं चालू आहे, आणि कर्मचाऱ्यांमध्ये फूट पाडण्याचा हा एक प्रयत्न आहे की जेणेकरून कर्मचारी घाबरून कामगिरीवर हजर झाला पाहिजे। आणि आज आमची जी समिती होती विलीनीकरणासाठी कोर्टाने समिती नेमली, तिचा आज शेवटचा दिवस होता। आज आजपर्यंत त्यांना आमच्या कर्मचाऱ्यांना भेटून, युनियन प्रतिनिधींना भेटून हा अहवाल सादर करणे होते। त्यामुळे आज जास्तीत जास्त उपस्थिती आठ शासनाला हवी होती, परत त्यांनी त्यापर्यंत खूप प्रयत्न केले, परंतु कर्मचाऱ्यांना त्या दाद न दिला। तिथं कर्मचाऱ्यांनी हा आपल्या विलीनीकरणाच्या मागणीवर ठाम राहिलेला आहे, आणि कर्मचारी हा एकजूट आहे, कुठेही फूट पडेल अशी शक्यता नाही आहे। त्यामुळे विलीनीकरणाची मागणी आमची शासनानं याचा मागणीचा पुरेपूर विचार करावा आणि विलीनीकरण करून द्यावं, हीच आमची एक इच्छा आहे। आपला परिचय सांगू, त्यांची खंडारे अकोला आगार क्रमांक 2 वा। अंत में एक नजर आज की खास खबरों पर। खास खबरों के प्रायोजक हैं गोपाल सुपर बाजार, शुद्धता, गुणवत्ता और अपनेपन का एहसास, मयूर कॉलोनी, मलकापुर रोड, अकोला। सह प्रायोजक है पेशवा फैमिली रेस्टोरेंट गीता नगर, जहां हर निवाली पर मुंह से निकले वाह वही है पेशवा। जी हां, पेशवा फैमिली रेस्टोरेंट गीता नगर, अकोला। सह प्रायोजक है हुसैन इनबाउंड, अनाज, किराना, ड्राई फ्रूट, कटलरी, क्रॉकरी, कॉस्मेटिक के साथ सब कुछ एक ही छत के नीचे। हुसैन इनबाउंड, आपका विश्वासी, हमारी पहचान। वाशिम बाईपास, बालापुर रोड, अकोला। थोरात सर्स बायोलॉजी क्लास टीम नीट
Be a doctor, buy a doctor. Smart with dream, finish with future. Thrasar Biology Classes, Damri Market, Akola. AMD Paribar, Refined Soya Bean Tail. Rakhye khayal aapke swasth ka. To aaj hi shamil kijiye apne paribar mein. AMD Paribar, Refined Soya Bean Tail. Shagun Caterers, Shadi Vyah Ho, Birthday Party, Kitty Party, Yahoo Get Together. Sabke liye behtar Shagun Caterers. Annapurna Matavandi Road, Shegaon Bypass, Akola. Fit India Health and Nutrition Club. Paiye मोटापे से छुटकारा, ज्वाइन कीजिए फिट इंडिया हेल्थ एंड न्यूट्रिशन क्लब और सभी तरह के दर्दों से पाइए छुटकारा। आज लीजिए 100% आयुर्वेदिक फूड सप्लीमेंट, 6 से 7 दिनों में असर दिखना। विधान परिषद चुनाव में बीजेपी की दमदार जीत। प्रेमी युगल की पिटाई का वीडियो वायरल। लाखों के गुटके के साथ एक गिरफ्तार। कब रुकेगी पानी की बर्बादी? और टीकाकरण को मिला उत्स्फूर्त प्रतिसाद। आज के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए सिटी जंक्शन, अपना चैनल अपनी बात।